नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, बिहार के छात्र छात्रा कैसे अव्वल रैंक लाए, कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार अपने सख्त फरमान लेते नजर आते हैं। ऐसे में इसको देखते हुए के पाठक ने एक और नया कहीं ना कहीं फरमान जारी किया है, जहां पर शिक्षक बाप बाप कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे में जो शिक्षक प्रशिक्षण में नहीं पहुंचेंगे, उनको जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। बताए चले आपको कि एसीएस के पाठक की कलाई जो है वो अब शिक्षकों पर देखने को मिल रही है। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशानुसार सुबह के सभी शिक्षण जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें चल रहे आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों पर भारी अर्थ दंड लगाने का जो खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं आ रहा है। खबर जहां यह बताया जा रहा है कि भारी अर्थदंड लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि बिहार शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव के पाठक के आदेश पर सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं जो है प्रशिक्षण अवधि से गैर हाजिरी पर काबू पाने के लिए सभी जिलों में अपने हिसाब से कदम उठाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिशा में एक कदम आगे बढ़कर पश्चिमी चंपारण स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद कुमारबाग डायट ने कहीं ना कहीं एक आदेश पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें अर्थदंड का प्रावधान भी है। उस प्रावधान के अनुसार योग कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक शिक्षिका को ₹500 देने पड़ेंगे। ऐसे में प्रार्थना सभा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक शिक्षिका को ₹550, प्रशिक्षण कक्षा तथा आवासन जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो से गैर जो जाहिर शिक्षक हैं उनको देखते हुए शिक्षकों को ₹1,000 का जो अर्थदंड है वो लगाया जाएगा। विभागीय आदेश में कहीं ना कहीं यह भी कहा गया है कि अनुपस्थित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस भी दिए जाएंगे। इस संबंध में एक आदेश पत्र जो ट्विटर है एक्स हैंडल पर वायरल हो रहा है। ऐसे में नवादा जिस तरीके से खबरें आ रही है, उस जिला का भी कई सारे शिक्षकों को देखते हुए खबरें आ रही है, जहां यहां बताया जा रहा है कई सारे शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशानुसार सूबे के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को देखते हुए उसमें चल रहे आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों पर भारी अर्थदंड लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर बड़ी जानकारी दी गई है, जहां पर यह बताया गया कि अगर प्रशिक्षण से गायब शिक्षक हुए तो उनको ₹1,000 जुर्माना देने पड़ेंगे। ऐसे में ₹500 का भी प्रावधान निकाला गया, जिसको देखते हुए जो प्रावधान है उसके अनुसार योग्य कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक शिक्षिका को ₹500 देने का प्रावधान निकाला गया है। प्रार्थना सभा से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक शिक्षिका को ₹550 देने पड़ेंगे। तो वहीं जो प्रशिक्षण कक्षा तथा आवासन से गैर हाजिर जो शिक्षक हैं उनको देखते हुए जो शिक्षक शिक्षा जो उनको देखते हुए ₹1,000 का अर्थदंड लगाया जाएगा। तो फिलहाल जो खबरें आ रही इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि विभागीय आदेश में यह साफ बताया गया है कि जो अनुपस्थित शिक्षक रहेंगे उनको जुर्माना देना पड़ेगा या फिर उनको आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो उनके ऊपर के पाठक का डंडा चलते हुए नजर आएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहना हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।